पूरा जंगल एरिया है और 9 बजे तक ही एंट्री मिलती है, उसके बाद यहाँ पे हम कार या कुछ भी नहीं लेके आ सकते। हो सकता है यहाँ पे हमें टाइगर भी दिख जाए। जो भालू देखो वो रहा भालू। स्वागत है दोस्तों विलेज इज ट्रैवलिंग के एक नए वीडियो में, और ये जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ मैसूर टू ऊटी रोड ट्रिप के ऊपर। अभी 3 बजे है, वहाँ तक पहुँचने में हमें 5 घंटे जैसा टाइम लगेगा, तो तकरीबन 8 बजे के आसपास हम पहुँच जाने चाहिए। अभी बजे है 4, हमने लिया है एक स्टॉप, यहाँ पे चाय पियेंगे, थोड़ा नाश्ता करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। होटल का नाम है अमरावती। रोड्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। मैसूर से ऊटी जब जाओगे तो सिंगल लेन रोड भी आता है बीच में, फिर फोर लेन रोड हो जाता है। उसके बाद मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि घाट वाला रास्ता है तो वो वापस सिंगल या टू लेन है। अभी तक तो रोड काफ़ी बढ़िया थे और हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। फिल्टर कॉफी 2 तुम लोगों को भी आना। चाय। बस फिल्टर कॉफी कैसे है? मस्त, एकदम बढ़िया। अविनाश अच्छी लगी तुम्हें? फिल्टर कॉफी। तो ये आ गए हमारे कांदे के भुजिए, चटनी और चाय। अभी इसको खाओ और मजा। अभी ओपन है एंट्री, अभी उठी जा सकते हैं ना। अभी हमारी गाड़ी बंडीपुर चेक पोस्ट पे है। यहाँ पे परमिट लेना पड़ता है प्रशांत, ई पास लेना पड़ता है एंट्री के लिए। और ये बंडीपुर जो है वो पूरा जंगल एरिया है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे रुक भी सकते हो, यहाँ पे जंगल सफारी भी होती है, तो ये भी एक डेस्टिनेशन है। यहाँ पे अगर आपको सफारी करनी है तो आपको तकरीबन 3000 रुपये के आसपास खर्चा होगा। तो ये जो बंदीपुर है वो टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। ऊटी और ये बंदीपुर दोनों आता है तमिलनाडु में, तो अभी हमने तमिलनाडु में एंट्री ले ली है। पे ही सफारी होती है तो हमारी भी सफारी हो जाएगी इसी के साथ। बंदीपुर जो है वो टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, तो हो सकता है यहाँ पे हमें टाइगर भी दिख जाए। जो भालू देखो वो रहा भालू। पूरा का पूरा जंगल एरिया है और 9 बजे तक ही एंट्री मिलती है, उसके बाद यहाँ पे हम कार या कुछ भी नहीं लेके आ सकते। टाइगर सफारी करनी है आपको तो यहाँ पे आना पड़ेगा। ये ऑफिस है, यहाँ से आप बुक कर सकते हो और फिर यहाँ से आपको एक कार मिलेगी, मतलब ओपन जीप मिलेगी। तो 9 बजे हम ऊटी पहुंच गए हमारे रूम पे, और सामान रखने के बाद अभी टाइम हो गया है खाना खाने का। खाने में मैं आपको दिखाता हूँ क्या है खाना आज का।
दो ऑप्शन है वेज और नॉन वेज, तीन फ्रेंड है जो नॉन वेज खाते हैं, दो फ्रेंड है जो वेज खाते हैं। ये है हमारा चिकन। पनीर कहाँ पे गया? वेयर इज पनीर? पनीर इज रख दिया। ओके फाइन, तो ये बनेगा गरम गरम और उसके बाद खाएंगे। तो दोस्तों इसके आगे फिर वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि रात हो गई थी और मेरी जो कैमरे की बैटरी थी वो भी ख़त्म हो गई थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बंदीपुर से ऊटी का रास्ता है वो वाकई में कमाल का है और जब आप आओगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये जो वीडियो है मैसूर से ऊटी का, ये वीडियो को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसके बाद का जो वीडियो होगा वो होगा ऊटी टूर का। तो ऊटी में क्या क्या घूमना है, कैसे घूमना है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।